धारावाहिक हीरा दिखाते जिसे ग्रंथों में तो वो खाली एक पर्ण है। द्वापर में सूर्यपुत्र कर्ण जन्मा था, कलयुग में बना अब सहानुभूति पुत्र कर्ण है। ग्रंथ छान छान देखे मैंने, कहीं नहीं मिला मुझको ऐसा प्रमाण था। नहीं दिखा होता अन्याय कहीं कर्ण से, ना दिखा वो अधर्मी कर्ण मुझको महान था। हाँ माना लोक लाज के भय से माता ने कर्ण को गंगा में बहाया था, पर जन्म से ही राधे माँ का प्रेम कर्ण ने तो पाया था। फिर भी कर्ण को माँ के प्रेम से वंचित है, ये कहते हैं लोगों के दिमाग का संतुलन हिला। भूलते हैं अभागी माँ तो कुंती थी, जिसे ज्येष्ठ पुत्र से ही वियोग मिला। कर्ण को नीची जाति का कहकर असत्य है ये बोलते, पारिशुद्ध सनातन धर्म में फालतू का जातिवाद है ये घोलते। चार वर्ण लोग चुनते थे कर्म से जातिवाद, न जाने किस ग्रंथ में इनको दिखा है। चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग असत, जाओ पढ़ो गीता ऐसा वहीं पर लिखा है। अब कर्ण को नीची जाति का कहकर खुद के धर्म को जातिवाद से विकृत बताते हो, खुद के पवित्र ग्रंथ गीता को खुद ही झुठलाते हो। ग्रंथों को पढ़कर देखो, कृपा और द्रोण का कर्ण शिष्य कहलाता था। गुरुकुल के दिनों से ही वो अधर्मी था, पांडवों को सताता था। अर्जुन से बचपन से ही द्वेष रखा गुरु द्रोण ने वो भांप लिया। श्रेष्ठ होने की लालसा में गुरु से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र ही मांग लिया। द्रोण ने मना किया कर्ण को, शिष्य के लालच को भांप लिया। गुरुकुल छोड़ भागा भगोड़ा कर्ण, वहां से रास्ता अपना नाप लिया। श्रेष्ठ बनने की चाह में अधर्मी कर्ण ने गजब की लालसा दिखाई थी। शस्त्रों के मोह में असत्य कहा परशुराम से, उसे जरा से भी लाज नहीं आई थी। फिर भी कुछ अल्पज्ञानी कहते हैं कर्ण आजीवन दान करता आया था। जिस राजपाट के दम पर दान करता था, वो सब दुर्योधन से खुद ने भी भीख में ही पाया था। फिर दान का अवसर उसे इंद्रदेव ने दिलाया था, उसमें भी अंगराज ने गजब का व्यापार दिखाया था। पहले बोल उठे अंगराज, कवच कुंडल दान न करूंगा, यदि कवच कुंडल चाहिए पहले वासवी शक्ति धारूंगा। यहाँ भी धारावाहिक वाले सहानुभूति पुत्र कर्ण को महान सा दिखाते हैं, खुद से ही कर्ण ने मांगी वासवी थी ये नहीं बताते हैं। सवाल कर्ण के भक्तों से, क्या सच में उन्हें ज्ञान है, या वो भी दो मुट्ठी गेहूं के बदले लेते एक मुट्ठी धान है। कर्ण ने कभी झूठ बोला गुरु से, कभी पासे शकुनी से फिकवाए थे। अर्जुन से जीतने हेतु कितने ही धर्म किए और षड्यंत्र तो अनगिनत रचवाए थे। नीच एक और षड्यंत्र रचा दुर्योधन संग, क्योंकि अर्जुन से श्रेष्ठ जो कहलाना था। लाक्षाग्रह की आग में पांडवों को जिंदा ही जलाना था। कहाँ था मित्र धर्म जब दुर्योधन को अंगराज बंदी बना छोड़ भागे थे। भीम से भगोड़े कर्ण की रक्षा हेतु 30 गांधारी पुत्रों ने प्राण अपने त्यागे थे। ग्रंथ गवाह है कर्ण के जीवन पर श्री कृष्ण को भी धिक्कार था, और माँ द्रौपदी के वस्त्र हरण में कर्ण सबसे बड़ा सलाहकार था। कुछ पशु समान लोग अपनी जड़ बुद्धि दिखलाते हैं, द्रौपदी चीर हरण की वजह स्वयंवर में कर्ण को ठुकराना बताते हैं। अरे ऐसी गिरी हुई मानसिकता के लोग ही प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर बालाओं के मुँह में तेजाब फेंक जाते हैं। मुझे नहीं बैर कर्ण से, सनातन इतिहास और सत्य से बस प्यार है। शब्द मेरे अधर्मियों के मुख पर तमाचा, और कर्ण भक्तों पर ब्रह्मास्त्र का प्रचार है। ऐसे नीच कपटियों को आदर से कहे युवा पीढ़ी मुझे कदापि ना स्वीकार है, और जो राम कृष्णा पर उंगली उठाए उस हिंदू पर भी धिक्कार है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर देना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना।